हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ़ ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर पे बेस्ड हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन नंबर वन है द आउटपुट स्टेज ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज ऑल्सो कॉल्ड आउटपुट स्टेज होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का उसको हम लोग क्या कहते हैं पावर स्टेज भी बोलते हैं क्या बोलते हैं पावर स्टेज पावर स्टेज भी बोलते हैं क्वेश्चन नंबर टू है डैश कपलिंग इज जनरली एम्प्लॉयड इन पावर एम्पलीफायर पावर एम्पलीफायर में कौन सा कपलिंग एम्पलीफाई कौन सा कपलिंग यूज होता है ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज होता है पावर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज होता है क्वेश्चन नंबर थ्री है क्लास ए पावर एम्पलीफायर यूजेज क्लास ए पावर एम्पलीफायर क्या यूज करता है वन ट्रांजिस्टर यूज होता है क्लास ए पावर एम्पलीफायर में एक ट्रांजिस्टर यूज होता है क्वेश्चन नंबर फोर है द मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑफ रेसिस्टेंस लोडेड क्लास ए पावर एम्पलीफायर रेसिस्टेंस लोडेड क्लास ए पावर एम्पलीफायर का मैक्सिमम इफिशेंसी कितना होता है पच्चीस परसेंट होता है कितना होता है पच्चीस परसेंट क्वेश्चन नंबर फाइव है द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज मैक्सिमम इफिशियंसी जो है ट्रांसफार्मर कपल क्लास ए पावर एम्पलीफायर का कितना होता है फिफ्टी परसेंट होता है फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्लास डैश पावर एम्पलीफायर हैज़ द हाईस्ट कलेक्टर इफिशियंसी कौन सा पावर एम्पलीफायर का हाइएस्ट कलेक्टर एफिशियंसी होता है क्लास सी पावर एम्पलीफायर का हाइएस्ट कलेक्टर इफिशियंसी होता है और डिस्टॉर्शन भी हाईएस होता है क्वेश्चन नंबर सेवन है पावर एम्पलीफायर्स हैंडल डैश सिग्नल्स कंपेयर टू वोल्टेज एम्पलीफायर्स पावर एम्पलीफायर क्या हैंडल करता है लार्ज सिग्नल को हैंडल करता है कंपेयर्ड विथ वोल्टेज एम्पलीफायर की अपेक्षा पावर एम्पलीफायर लार्ज सिग्नल को हैंडल करता है क्वेश्चन नंबर एट है इन क्लास ए ऑपरेशन द ऑपरेटिंग पॉइंट इज जनरली लोकेटेड डैश ऑफ द डीसी लोड लाइन क्लास ए ऑपरेशन में ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे होता है एट द मिडिल होता है एट द मिडिल क्वेश्चन पॉइंट जो होता है एट द मिडिल होता है क्वेश्चन नंबर नाइन है क्लास सी एम्पलीफायर यूज एज क्लास सी एम्पलीफायर का किसके किस लिए यूज किया जाता है आर एफ एम्पलीफायर आर एफ के तौर पे क्लास सी एम्पलीफायर का यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर टेन है ए पावर एम्पलीफायर हैज एम्प्लीफायर बीटा पावर एम्पलीफायर में बीटा क्या होता है बीटा का वैल्यू क्या होता है पावर एम्पलीफायर में स्मॉल होता है पावर एम्पलीफायर में बीटा का वैल्यू स्मॉल होता है क्वेश्चन नंबर इलेवन है द मैक्सिमम कलेक्टर इफिशियंसी ऑफ क्लास बी ऑपरेशन इज क्लास बी ऑपरेशन में मैक्सिमम कलेक्टर इफिशियंसी कितना होता है सेवेंटी एट पॉइंट फाइव परसेंट होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है ए टू ट्रांजिस्टर क्लास बी पावर एम्पलीफायर इज कॉमनली कॉल्ड दो ट्रांजिस्टर क्लास बी पावर एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है पुस्पुल एम्पलीफायर कहा जाता है पुस्पुल एम्पलीफायर क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इफ़ ए ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन सच ए वे डैट आउटपुट करेंट फ्लोज फॉर सिक्सटी डिग्री ऑफ़ द इनपुट सिग्नल देन इट इज़ कॉल्ड तब इसको क्या बोला जाएगा तो क्लास सी एम्पलीफायर हो जाएगा क्लास सी एम्पलीफायर जो है लेस देन हाफ साइकिल के लिए काम करता है मीन्स जीरो से नाइंटी डिग्री के बीच में ही काम करता है लेस देन क्लास सी हो जाएगा थर्टीन का क्लास सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इफ़ द जीरो सिग्नल पावर डिसिपेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज वन वाट देन पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर शुड बी एट लीस्ट कितना होना चाहिए कह रहा है जो जीरो सिग्नल पावर डिसिपेशन है ट्रांजिस्टर का वो वन वाट है तो पावर रेटिंग कितना होना चाहिए पावर रेटिंग भी मिनिमम उतना होना चाहिए ऑप्शन फोर्टीन का क्या हो जाएगा वन वाट पावर रेटिंग भी मिनिमम जीरो सिग्नल पावर डिसिपेशन के इक्वल टू होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है वेन ए ट्रांजिस्टर इज कट ऑफ जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होता है तो क्या होता है मैक्सिमम वोल्टेज से क्रॉस ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज एपियर होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है ए क्लास ए पावर एम्प्लीफायर इज समाइम्स कॉल्ड डैश एम्पलीफायर। क्लास ए पावर एम्पलीफायर को क्या बोला जाता है और किस नाम से पुकारा जाता है सिंगल इंडन एम्पलीफायर भी बोला जाता है सिंगल इंडेड एम्पलीफायर क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन है क्लास डैश ऑपरेशन गिव्स द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन मैक्सिमम डिस्टॉर्शन किस में होता है क्लास सी एम्पलीफायर में होता है क्लास सी एम्पलीफायर में मैक्सिमम डिस्टॉर्शन भी होता है और मैक्सिमम इफिशियंसी भी होता है क्वेश्चन नंबर एटीन है द आउटपुट स्टेज ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूजली एम्प्लॉयड आउटपुट स्टेज जो होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में उसमें क्या लगा रहता है पुशफुल एम्पलीफायर होता है क्या होता है पुस्पुल एम्पलीफायर क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन है द साइज ऑफ ए पावर ट्रांजिस्टर इज मेड कंसिडरेबली लार्ज टू जो पावर ट्रांजिस्टर का जो साइज होता है उसको लार्ज रखा जाता है किसके लिए कंसिडरेबली लार्ज टू डिसिपेट हीट हीट को डिसिपेट करने के लिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है लो इफिशंसी ऑफ ए पावर एम्पलीफायर रिजल्ट इन पावर एम्पलीफायर का जो लो इफिशियंसी होता है उससे क्या होता है मोर बैटरी कंजम्पशन होता है लो इफिशेंसी होगा तो बैटरी कंजम्पशन क्या होगा ज्यादा होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है द ड्राइवर स्टेज यूजली एम्प्लॉय ड्राइवर स्टेज में क्या होता है ड्राइवर स्टेज यूजली एम्प्लॉयड क्लास ए पावर एम्पलीफायर हो गया क्लास ए पावर एम्पलीफायर का यूज किया जाता है ड्राइवर स्टेज में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है इफ़ द ऑपरेटिंग इफ़ द पावर रेटिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज़ वन वाट एंड कलेक्टर करेंट इज़ हंड्रेड मिलियम पेयर देन मैक्सिमम एलाओबल कलेक्टर वोल्टेज क्या हो जाएगा तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर वन वाट दिया है और कलेक्टर करेंट जो है वो एक सौ मिलियम पेयर दिया है तो वोल्टेज पूछ रहा है तो भीज पीज कॉल टू क्या होता है भीज कॉल टू क्या हो जाएगा पी बट्टे आई हो जाएगा क्योंकि पीज कॉल टू क्या होता है भी आई होता है और वोल्टेज निकालना है पावर वन वाट है करेंट कितना है एक सौ मिली पेयर है एक सौ गुने टेन टू डी पावर माइनस थ्री हो जाएगा तो इसको ऊपर कीजिए टेन टू पावर थ्री माइनस थ्री को ऊपर कीजिएगा जा तो क्या लिख सकते हैं एक हज़ार लिख सकते हैं बट्टा एक सौ कट के कितना आ जाएगा दस कितना हो जाएगा दस वोल्ट हो जाएगा कितना आंसर हो जाएगा दस वोल्ट दस वोल्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है वेन नो सिग्नल इज अप्लाइड द अप्रोक्सीमेट कलेक्टर इफिशियंसी ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज जब कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाता है तो कलेक्टर इफिशियंसी जो है क्लास ए पावर एम्पलीफायर का कलेक्टर इफिशियंसी कितना होगा जब सिग्नल नहीं अप्लाई कीजिएगा तो जीरो परसेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है व्हाट विल बी द कलेक्टर इफिशियंसी ऑफ ए पावर एम्पलीफायर हैविंग जीरो सिग्नल पावर डिसिपेशन ऑफ फाइव वाट ए सी पावर आउटपुट ऑफ टू वाट तो पूछ रहा है कलेक्टर इफिशियंसी क्या हो जाएगा तो कलेक्टर इफिशियंसी क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आउटपुट पावर पट्टे पी डी सी डी सी पावर इंटू हंड्रेड तो आउटपुट पावर कितना है दो वाट है और डी पावर कितना है जीरो सिग्नल डिसिपेशन पावर को ही डी पावर बोलते हैं कितना है फाइव वाट है इंटू वन हंड्रेड कितना आ गया पाँच से कीजिए बीस पंचे सौ बीस दूना चालीस कितना परसेंट हो जाएगा फोर्टी परसेंट हो जाएगा फोर्टी परसेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है द आउटपुट सिग्नल वोल्टेज ऑफ एंड करें द आउटपुट सिग्नल वोल्टेज एंड करेंट ऑफ ए पावर एम्पलीफायर आर फाइव वोल्ट एंड टू हंड्रेड मिलियन पेयर द वैल्यू बिंग आर एम एस वैल्यू है तो पावर आउटपुट क्या हो जाएगा पावर आउटपुट कितना होगा ये बताना है तो देखिए आपको पावर आउटपुट इज कॉल टू क्या हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आर एम एस तो फाइव वी आर एम एस दिया है फाइव वोल्ट इंटू 200 मिली एम्पेयर है तो 10 टू डी पावर माइनस थ्री हो जाएगा इसको क्या ले सकते हैं दो सौ पंचे एक हज़ार गुना ये टेन टू डी पावर माइनस थ्री है नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो एक हज़ार एक हज़ार बटे एक हज़ार कट गया क्या होता है वन वाट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ट्वेंटी फाइव का ए हो जाएगा ट्वेंटी फाइव का ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है द मैक्सिमम एसी सी पावर आउटपुट फ्रॉम ए क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज दस वाट, वाट शुड बी मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, मिनिमम पावर रेटिंग क्या हो जाएगा मिनिमम पावर रेटिंग आपको बताना है तो देखिए पी आउट इज इजकॉल टू क्या होता है पावर डिसिपेशन मिनिमम पावर रेटिंग बताना है ना तो पी आउट इज कॉल टू क्या होता है पावर डिसिपेशन यही डिसिपेशन पावर निकालना है बटे टू होता है आउटपुट आप पावर आपको दस दिया है इज टू पी डिसिपेशन बटे टू यहाँ से पी डिसिपेशन कितना आ जाएगा डिसिपेशन पावर दस दूना बीस दस दूना बीस तो बीस वाट आ जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फोर ट्वेंटी सिक्स का फोर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है फॉर द सेम ए सी पावर आउटपुट एज ए भव वाट शुड बी द मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर क्लास बी ऑपरेशन क्लास बी ऑपरेशन के लिए सेम क्वेश्चन के लिए क्लास बी ऑपरेशन के लिए कितना हो जाएगा फोर वाट हो जाएगा कितना हो जाएगा फोर वाट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है द पुष्पुल सर्किट मस्ट यूज डैश ऑपरेशन पुष्पुल सर्किट कौन सा ऑपरेशन यूज करता है क्लास बी ऑपरेशन होता है पुस्पुल में क्लास बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है द क्लास बी पुस्पुल सर्किट कैन डिलीवर वन हंड्रेड वाट ऑफ ए सी आउटपुट पावर वाट शुड बी द मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ इस ट्रांजिस्टर मिनिमम पावर रेटिंग कितना हो जाएगा क्लास बी पुस्पुल एम्पलीफायर के लिए बीस वाट हो जाएगा दस दस वाट जो डिलीवर किया था आउटपुट पावर दस वाट होगा तो मिनिमम पावर रेटिंग क्या हो जाएगा बीस वाट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी है वाट टर्न रेशियो एन पी बाई एन एस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज रिक्वायर्ड टू मैच फोर ओम स्पीकर टू ए ट्रांजिस्टर हैविंग एन आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एट थाउजेंड आठ हज़ार ओम दिया हुआ है आउटपुट एमिडेंस स्पीकर जो है रिक्वायर मैच फोर ओम स्पीकर और फिर रेसिस्टर दिया है मीन्स आर एल इज इजक्ल टू क्या होता है एन स्क्वायर इन टू आर एल तो यहाँ से एन स्क्वायर इज इजकॉल टू क्या हो जाएगा आर एल डैश बटे आर एल तो एन इजकॉल टू क्या हो जाएगा आर एल डैश बटे आर एल तो यहाँ से आप कर दीजिए आर एल डैस कितना हो जाएगा आर एल डैस आठ हजार दिया हुआ है और आर एल कितना है चार ओम है दोनों ओम में ही है तो कितना आट, आ जाएगा दो चौक आठ एन एन इज्कवल टू क्या जाएगा एन इजकअल टू रूट अंडर दो हजार एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा देखिये एन स्क्वाल इक्कॉल टू इतना है तो एन इज टू क्या हो जाएगा रूट अंडर आर एल डैस बैठे आर हो जाएगा ना जी तो यहाँ से एन इज कॉल टू रूट अंडर टू थाउजेंड आ जाएगा और रूट अंडर टू थाउजेंड का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर टू थाउजेंड का वैल्यू कितना हो जाएगा फोर्टी फोर पॉइंट सेवन आ जाएगा कैलकुलेट करने नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर हैज ए लोड ऑफ़ वन हंड्रेड ओम ऑन द सेकेंडरी इफ़ द टर्न रेशियो इज टेन इंजू वन दिया है एन पी बटे एन एस क्या है टेन इंस टू वन है वाट इज़ द वैल्यू ऑफ लोड एपेयरिंग ऑन द प्राइमरी प्राइमरी पे जो लोड अपेयरिंग होगा उसका क्या वैल्यू होगा तो आर एल डैश इज कॉल टू क्या होता है एन स्क्वायर इंटू आर एल ये प्राइमरी पर लोड है आर एल डैश और ये सेकेंडरी का लोड है आर एल तो देखिए आर एल डैश मीन्स प्राइमरी पे लोड पूछा क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एन क्या है टर्न्स रेशियो है तो टर्न्स रेशियो क्या है टेन टू वन है मीन्स टेन का स्क्वायर इंटू आर एल कितना दिया है एक सौ दिया है दस का स्क्वायर कितना होता है एक सौ गुने एक सौ एक सौ गुने एक सौ कितना आ जाएगा एक सौ गुने यहाँ आर एल का वैल्यू कितना है एक सौ है ना तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक सौ एक मिनट हाँ तो क्या है आर एल इज इजक्ल टू एन स्क्वायर इंटू आर एल है यहाँ से दस का स्क्वायर इंटू एक सौ कितना आ जाएगा एक सौ गुने एक सौ कितना इसको लिख सकते हैं इज इजकअल टू दस किलो ओम हो जाएगा दस किलो ओम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा चार नंबर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है पावर एम्पलीफायर्स जनरली यूज ट्रांसफार्मर कपलिंग बिकॉज ट्रांसफार्मर परमिट पावर एम्पलीफायर में नॉर्मली ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज किया जाता है क्यों ट्रांसफार्मर क्या परमिट करता है एम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर क्या परमिट करता है एम्पीडेंस मैचिंग क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है ट्रांसफार्मर कपलिंग कैन बी यूज इन डैश एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर कपलिंग का कौन सा एम्प्लीफायर में यूज किया जाता है आइदर पावर और वोल्टेज एम्पलीफायर क्या हो जाएगा आइदर पावर और वोल्टेज एम्पलीफायर क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है द आउटपुट ट्रांसफार्मर यूज इन ए पावर एम्पलीफायर इज़ ए डैश ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है पावर आउटपुट ट्रांसफार्मर में पावर एम्पलीफायर के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है किसका यूज किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है द आउटपुट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिड्रेशन इन पावर एम्पलीफायर इज़ पावर एम्पलीफायर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिड्रेशन है वो क्या है कलेक्टर इफिशियंसी इफिशियंसी बहुत ही मायने रखता है पावर एम्पलीफायर में क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है एन ए एफ एम्पलीफायर ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर इज सील्डेड टू ए एफ एम्पलीफायर को सील्ड किया जाता है क्यों प्रिवेंट इंडक्शन ड्यू टू एस्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से जो ये इंडक्शन को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड से प्रिवेंट करने के लिए एफ एम्पलीफायर को सील्ड किया जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है द पल्सेटिंग डी सी अप्लाई टू पावर एम्पलीफायर काउजेज जो पल्सेटिंग डी सी अप्लाई किया जाता है पावर एम्पलीफायर में वो क्या करता है हम प्रोड्यूस करता है हम इन द सर्किट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है द डिसएडवांटेज ऑफ इंपिडेंस मैचिंग इज दैट इट क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज इसका इट गिव्स डिस्टॉर्टेड आउटपुट क्या डिसएडवांटेज हो जाएगा इट गिव्स डिस्टॉर्टेड आउटपुट यही इसका डिसएडवांटेज है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है इफ़ द गेन वर्सेस फ्रिक्वेंसी कर्व ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज नॉट फ्लैट देन देयर इज डिस्टॉर्शन अगर फ्लैट नहीं होगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का तो क्या होगा देन डिस्टॉर्सन किस तरह का जैसे कि ये ये फ्लैट है अगर फ्लैट नहीं होता है तो किस तरह का डिस्टोर्सन प्रोड्यूस करेगा फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्सन प्रोड्यूस करेगा क्या करेगा फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्सन प्रोड्यूस करेगा फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्सन क्वेश्चन नंबर फोर्टी है द मोस्ट कॉस्टली कपलिंग इज डैस कपलिंग कौन सा सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है कपलिंग ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है जो ट्रांसफार्मर यूज किया था वो थोड़ा कॉस्टली होता है आरसी में रेसिस्टेंस के पेस्टेंस होता है वो बहुत ही चीप होता है आरसी कपलिंग ये ट्रांसफार्मर कपलिंग जो है वो कॉस्टली होता है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच